तो 10 जुलाई को पेश होने वाले बजट को लेकर क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जरा सुनिए। जहां तक हार और जीत का सवाल है, निश्चित रूप से चाहे हार हो या जीत हो, चाहे अच्छा परिणाम आए चाहे कम उसमें कहीं के आकलन कम हो, तो उसकी समीक्षा और उसके ऊपर चर्चा जरूर होती है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कहां क्या कमी रही, इसके ऊपर निश्चित रूप से हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, मैं सोचता हूं राजस्थान में और केंद्र में भी हमेशा से प्रयास किया कि गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग की भलाई के लिए, युवाओं के सपनों की उड़ान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, किसान की समृद्धि के लिए, शहर और गरीब, शहर और गांव की खाई को पाटने के लिए अनेक ऐसे काम हैं जो इस प्रदेश के विकास की उन्नति और प्रगति में बहुत मायने रखते हैं। उन सारे कामों को सरकार ने एक रोडमैप बनाना शुरू किया है। सारे संगठन, जनप्रतिनिधि और अनेक संस्थाओं के माध्यम से कि हमारा विकसित राजस्थान कैसा हो, राजस्थान के उत्तरोत्तर विकास के लिए और क्या किया जाना चाहिए, शिक्षा में क्या होना चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन में क्या हो, रोड ट्रांसपोर्ट में क्या हो, रेलवे में क्या हो, ग्रामीण विकास में क्या हो, अर्बन डेवलपमेंट में क्या हो, इन सारे कामों को लेकर काम चल रहा है। मैं सोचता हूँ एक ऐतिहासिक बजट आएगा।